सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपसे मूंग दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये दाल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपना वेट लॉस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर छिली हुई मूंग की दाल ली है। मैंने छिलके वाली मूंग की दाल नहीं ली है। छिलके वाली मूंग की दाल हैवी होती है, बट ये वाली दाल आपको हेल्प करती है आपका वेट लॉस करने में। तो मैंने इसको अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी दाल वॉश करें तो अच्छे से 2 या 3 बार वॉश करें, खाली एक बार वॉश करके मत बनाएं। अब मैं इसको कुकर में डाल लूँगी और नॉर्मली जैसे हम कोई भी दाल चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ा दूँगी। ये दाल हमें वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है और ये जितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है उतना ही इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है कि हम इसको नॉर्मली दाल बना करके, जैसे नॉर्मली हल्दी और नमक डाल करके सिर्फ बना करके खा सकें। तो आज मैं आपसे वही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप इसको कैसे और ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। मैंने इसको गैस पर चढ़ा दिया है और गैस फ्लेम फुल कर दी है और सिर्फ एक सीटी आने पर मैं बंद कर दूंगी और जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तब मैं इसको निकाल लूंगी। तो ये दाल मेरी पूरी तरीके से बन चुकी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तुरंत बन जाती है। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। तो ये दाल पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैं इस दाल को पूरी तरीके से टेस्टी बनाने के लिए इसमें मिलाऊंगी कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला में बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम नींबू को भी ऐड कर सकते हैं, पर जैसे कि विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं तो इस वजह से मैंने इसमें नींबू नहीं मिलाया है। तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरी दाल पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है और आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।